हेलो भैया, मैं हूँ सक्षम। तो बैठ गए भाई आज अपनी ये स्विफ्ट में 2022 वाली में, एक डेढ़ महीने पुरानी गाड़ी है भाई, चला के देखते हैं कैसी है भाई ये गाड़ी और कैसा चलता है इसका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। एक बारी भाई बैक कर लेते हैं गाड़ी को। तो यार सबसे बड़ी कमी जो मेरे को फील होती है इस गाड़ी में, कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, जबकि हम VXI वेरिएंट में बेस से एक ऊपर है, रिवर्स पार्किंग कैमरा भाई इसमें भी नहीं आता। और मेरे को यार थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है उसकी, तो उसके बिना ना मोड़नी थोड़ी मुश्किल सी हो जाती है यार ORVM पे। मेरे को पता है भाई आदत कोई अच्छी नहीं है, लेकिन यार अब ऐसी पड़ गई है कि उसके बिना ना चला ही नहीं जाती। भाई क्या बात है, गियर शिफ्टिंग इसकी एक नंबर की लग रही है यार। थोड़ा सा चला के देखता हूँ भाई एक बारी यहाँ से खाली रोड पे। भाई बहुत शांत इंजन है, बहुत ज़्यादा शांत इंजन है, कोई शोर नहीं है, पता ही नहीं लग रहा। अगर मैं आराम से दिखाऊँ ना, ये देखो थोड़ा सा, लगभग 1500 RPM पे भाई इस टाइम पे गाड़ी है, सेकंड गियर पे है, 20 की स्पीड है, और पता ही नहीं लग रही भाई गाड़ी स्टार्ट भी है। एक बारी मोड़ के देखते हैं। अरे भाई इसमें फीडबैक नहीं है भाई बिल्कुल ही। स्टीयरिंग ये देखना हल्का हल्का सा फील होता है, कोई इसमें जान नहीं लगती। एक बारी मैं 20 की स्पीड पे ना थोड़ी उठा के देखता हूँ गाड़ी को कैसी रखती है। एक मिनट, 20 की स्पीड, सेकंड गियर, पंजा पूरा अंदर। साढ़े 5000 RPM भाई ऐसे चढ़ जाती है, 80 की स्पीड, क्या बात है भाई। ब्रेक्स बहुत कमजोर है यार, शिट भाई, ब्रेक्स के मामले में बहुत कमजोर है यार। पिकअप देखिए आपने, दूसरे गियर पे 80 की स्पीड भी क्रॉस कर गई थी, 5500 RPM पे आ गई थी भाई, 6 पे भी चली जाती, वो तो मैंने गियर बदल दिया। पर ब्रेक्स यार बड़ी कमजोर है इस गाड़ी की, मेरे को जो फील हुई। चौथा गियर है, 40 की स्पीड, लगभग 1200-1300 RPM, अल्ट्रा स्मूथ गाड़ी भाई, कोई भी इशू नहीं है। वापस से सेकंड गियर करता हूँ 20 की स्पीड पे, फिर से उठा के देखूंगा भाई। 20 की स्पीड ले आता हूँ, पंजा भाई पूरा अंदर, थ्रॉटल फुल इन, कोई शोर नहीं आ रहा भाई। 3.5 के बाद थोड़ा सा आता है, 5, 5.5, 6 तक पहुंच जाती है भाई, और 90 की स्पीड सेकंड गियर पे। यार इसमें फीडबैक नहीं है, ये हैवी नहीं होता बिल्कुल ही, ऐसे लाइट का लाइट सा ही रहता है यार। इसमें ऐसा लग रहा है जान नहीं है भाई यार, अगर ये अच्छा हो जाए ना तो इसमें बिल्कुल ही मतलब जान ही नहीं फील होती, ऐसा लगता है बिल्कुल पेपर सा है, कोई मजाक सा कर रहे हैं। ये देखो टर्न लिया है, कोई ऐसा है ही नहीं भाई, कोई जान हो, कोई फीडबैक दे रहा हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने यार ये गाड़ी पहले CNG वाली चलाई थी, और जो लोग कहते हैं ना भाई कि CNG के बाद गाड़ी पे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, पड़ता है भाई, बिल्कुल पड़ता है। और 19-20 का नहीं भाई, अच्छा खासा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। वो गाड़ी भी कोई पुरानी नहीं थी, एक डेढ़ साल ही पुरानी थी भाई, उससे ज़्यादा नहीं थी, और ये तो एक डेढ़ महीना ही पुरानी है। पर नहीं भाई, इसका इंजन जितना स्मूथ है, जो इसकी रिफाइनमेंट है, जो इसकी भाई मतलब केबिन नॉइज़ बन रही है, उसमें नहीं था यार, उसमें तो अच्छी खासी केबिन नॉइज़ थी, इस वाले में मेरे को ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। खैर अगर बात कर लें भाई इसके इंजन की, तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, 88.5 BHP और 113 Nm का टॉर्क दे देता है। और बॉडी वेट की बात करें तो कुछ खास नहीं है, हल्की सी गाड़ी है, बिल्कुल पेपर सी लगती है, मेटल तो लगता ही नहीं है, टिन का डब्बा जो है नाम इसका बिल्कुल सही है, तो उसकी वजह से भागती बढ़िया है, लेकिन हल्का वेट होने की वजह से। लेकिन अगेन भाई मेरे को मेजर डिफरेंस दिख रहा है, CNG वाली गाड़ी को जितना मर्जी मेंटेन कर लो भाई, वो पेट्रोल वाला मज़ा नहीं दे सकती, वो कहीं ना कहीं इंजन को ख़राब करती है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था ना, 20 की स्पीड पर दूसरे गियर पे मैंने उठाई थी, 90 तक पहुंच गई थी भाई 6000 RPM पे। वो गाड़ी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, एक तो भाई वो मैंने LXI चलाई थी, तो उस पर RPM मीटर था ही नहीं, लेकिन भाई स्पीड भी इतनी थी नहीं यार, उसमें इतनी पिकअप वो नहीं ले पा रही थी जो ये ले रही है, जो ये मज़ा दे रही है। बिल्कुल अल्ट्रा स्मूथ है भाई, क्लच एकदम लाइट है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डेड पेडल देखने को नहीं मिलता, इसकी बात करें बिल्कुल स्मूथ है, जरा से थ्रोज हैं और बढ़िया एकदम। पर ये भाई ये सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका। अगर यार एक लास्ट कंक्लूजन शेयर करूँ ना, तो भाई जो 18 या 19 में स्विफ्ट आ रही थी, और जो आज 2022 में आ रही है, या फिर जो 2023 में भी आएगी, वो भाई मेरे को पर्सनली लग रहा है, देखो स्विफ्ट के जो स्टेयरिंग व्हील है इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, बहुत 19-20 का फर्क है। वो वाला तो भाई टर्न लेने के बाद बिल्कुल ही वापस नहीं आता था, इसमें मेरे को लगा कि हल्की सी शायद इंप्रूवमेंट की गई है। और ओवरऑल भाई मेरे को इसका गियरबॉक्स तो वैसे ही स्मूथ है मारुति का, और ये वाला और ज़्यादा स्मूथ लगा। बाकी सस्पेंशन वगैरह सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नरिंग वगैरह में या फिर हाई स्पीड पे भी ऐसी कोई इशू आता नहीं है। 100+ जाओ तो हो सकता है भाई सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से थोड़ा सा इशू आ जाए, बट अभी मैं गया नहीं हूँ तो उस बारे में भाई मैं अभी जाऊँगा नहीं। फिलहाल भाई सिटी ड्राइविंग के लिए तो परफेक्ट कार है, बस थोड़ी सी सेफ्टी और होती तो यार मज़ा आ जाता है इस गाड़ी में। चलो फिर इसी नोट पे करते हैं भाई वीडियो को एंड, यहाँ तक आए हो, यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच भाइयों, ऐसी आते रहना, ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, थैंक यू भाइयों, बाय बाय।